नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी के कुछ फीचर के बारे में। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ फीचर बताऊंगा जो कि आपको शायद नहीं बताऊंगी, अगर पता भी होंगे तो जो है उनका क्या यूज है जो है आपको अच्छे करके नहीं बताऊंगा। तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक आपको देखना है और जो है मैं यहाँ पर जो है इसके जो है बहुत से फीचर जो है यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इससे पहले जो है अगर आपने जो है रियलमी की 6 के जो है गेस्चर वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जो है मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसमें जो है मैंने आपको सारे के सारे जो है गेस्चर के बारे में बताया हुआ है, किस तरीके से जो है कौन सा गेस्चर जो है यूज किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पर नोटिफिकेशन ड्रॉअर देखेंगे, ठीक है, इसे मैं नीचे सिंपली स्लाइड करता हूँ और यहाँ आप देखेंगे ऊपर जो है आपको बहुत से जो है आइकन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, और जो है यहाँ से बहुत से शॉर्टकट हैं यहाँ पर, यहाँ से जो है बहुत सी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है डार्क मोड, ठीक है। दोस्तों ये आप देखेंगे यहाँ पर डार्क मोड है, ये जो है मैं ऑन कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर जो है पूरा डार्क मोड ये इनेबल हो चुका है। आप जो है केवल जो है मेरे को जो अदर कलर हैं वही दिखाई देंगे, ब्लैक कलर जहाँ भी हल्का ब्लैक कलर था यानी खाली जगह थी वहाँ जो है सारा का सारा जो है ब्लैक हो जाएगा, केवल जो है काम की चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर देखने को मिलेंगी। दोस्तों इसके बाद सेकेंड यहाँ पर आता है फीचर, यहाँ पर OSIE विजन इफेक्ट। दोस्तों आप देखेंगे स्क्रीन पे, ठीक है, ये भी इफेक्ट है, ठीक है, मैं इसमें जो है क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ना इसके यूज क्या होता है, आपको जो है सिंपली कुछ पता नहीं लगेगा, मगर आप जो है किसी फोटोज़ को अगर इसको इनेबल करके और जो है इसको डिसेबल करके देखेंगे तो वहाँ पर जो है आपकी जो फोटोज़ क्वालिटी है ना वहाँ पर जो है ज़रा कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आप इसको इसमें जो है रोक के जो है क्लिक करके रखते हो तो यहाँ पर आप देखेंगे चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे इसे ऑन करते हैं ऑफ करते हैं तो जो है यहाँ पर जो है कुछ कलर्स में जो है आपको हल्का सा जो है डिफरेंट देखने को मिलेगा, यानी कि जो है कलर ज़रा अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी बात है कि आप जो है दोस्तों B31 वाले अपडेट के बाद जो है यहाँ पर आप जो है सिस्टम साउंड और जो है माइक्रोफोन का जो है साउंड अगर आप अपनी वीडियो में वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो एक साथ जो है दोनों को जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है। पहले जो है ऐसा नहीं था, पहले जो है आप जो है ऑफ हो जाता था और बाकी सेटिंग्स हैं आप जो है नीचे और भी सेटिंग्स यहाँ पर कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी ये सेटिंग्स इनेबल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है ऑन रखी हुई है। आप जो है अपने हिसाब से आप हल्के जो है सेट में आप देखेंगे डिस्प्ले के रिजल्ट, वीडियो रेजोल्यूशन, सारी की सारी चीज़ें अपने हिसाब से जो है यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है यहाँ पर मोड्स। आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर मोड्स वाला ऑप्शन दिखाया आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड मोड है जो आपका नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, वो चीज़ है, ठीक है। फोकस मोड में दोस्तों होता क्या है, जैसे हम इसे इनेबल करते हैं ना यहाँ पर जो है आपको टाइम देता है, ठीक है, आपको जो है यहाँ पर टाइम डालना होता है आप कितनी देर तक जो है यहाँ पर फोकस करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, यानी कि आपको जो है कोई ये जो इसमें जो है नोटिफिकेशन जो है सारी की सारी बंद हो जाएंगी, आपको जो है कुछ भी नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ड्राइविंग मोड, ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है आपको जो है सारे के सारे जो है नोटिफिकेशन जो है आपकी बंद हो जाएंगी, जो कि अच्छी बात है, आप जो है सेफली जो है ड्राइविंग कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो है दोबारा से मैं नोटिफिकेशन ड्रॉअर में आ जाता हूँ, यहाँ आप देखेंगे आइस केयर का जो है एक ऑप्शन मिलता है, आप देखेंगे हल्के सी येलो जो है यहाँ पर आपको स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि अच्छी बात है, इससे जो है आपके आंखों में जो अगर रात में अगर यूज़ करते हैं फ़ोन को तो कम लोड पड़ेगा। क्लीन स्टोरेज का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, अगर आप जो है अपने फ़ोन का जो स्टोरेज आपका भर गया है, यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि जो आपका डाटा होता है ना, जैसे कि आपका केच डाटा या फिर आप अपने फाइल भी चाहें तो यहाँ से जो है डिलीट कर सकते हैं, ये स्कैन करेगा, उसके बाद जो है आप क्लीन करेंगे तो जो है आपका डाटा यहाँ से अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है यहाँ पर पावर सेविंग मोड, ठीक है, जैसे मैं इसमें रोक के रखता हूँ तो यहाँ पर जो है मैं चला जाता हूँ बैटरी के ऑप्शन में, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ये बैटरी में जो है रिडायरेक्ट कर देता है, इसके बाद जो है आपको मिलता है यहाँ पर पावर सेविंग मोड, ठीक है। दोस्तों पावर सेविंग मोड को जो है ऑन करते हैं, यहाँ पर जो है रिड्यूस स्क्रीन ब्राइटनेस जो है कम हो जाएगी और जो स्क्रीन जो 15 सेकेंड में जो है बंद हो जाएगी, डिसेबल जो बैकग्राउंड में डाटा सिंक होता है वो जो बंद हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो है नीचे एक ऑप्शन और मिलता है टर्न ऑन एट स्पेसिफिक बैटरी लेवल, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो है डिफॉल्ट 15% पर आता है, ठीक है, जैसे ही 15% जो बैटरी होगी तो ऑटोमेटिक जो है पावर सेविंग मोड जो है के लिए जो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आप चाहें तो उसे लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको और भी जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। रियलमी शेयर का भी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, अगर आप रियलमी के फ़ोन में जो है इससे शेयर डाटा करना चाहते हैं डायरेक्ट शेयर इट के बिना भी जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन तो आपको पता ही होगा, ठीक है, DND,
दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको एसएसटी बेल, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है अगर आप यूज़ करते हैं तो, जिसे जैसे ही इसे आप ऑन करते हैं ना तो आपको यहाँ पे एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें जो है टैप करते हैं तो आपका जो है रिवर्स का यानी कि बैक का बटन का जो है काम करता है, जैसे मैं ये करता हूँ, ठीक है, बैक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर जो है आप इसमें जो है दोबारा से आगे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर अगर आप जो है इसमें डबल टैप करते हैं तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं, और जो है टच एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ पर जो है आप होम में जो है पहुँच जाएंगे, जो कि अच्छी बात है। और बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है टैप मेनू करके जो है इस तरीके से जो है आप यहाँ पर जो है आपके सामने जो है ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है ऑप्शन आ गया है, ठीक है। मैं इसको बंद ही कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इन आइकन को जो है अगर अपनी तरफ से जो है कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर पेंसिल का जो सेटिंग के बगल में ये निशान देखने को मिल रहा है, इसमें जाएंगे तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पर और भी जो है बहुत से ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है वन टैप लॉक स्क्रीन आ रहा है, ठीक है। जैसे इसमें हम क्लिक करते हैं ना, इसे अगर मैं ऊपर ड्रैग करके ले आऊँ, ठीक है, यहाँ, तो उसके बाद जो है जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा तो स्क्रीन जो है ऑफ हो जाएगी, ठीक है। 100 यूज़ का जो है ऑप्शन आपको देखने को इस फ़ोन में मिल जाता है अगर आप जो है यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो मेरी स्क्रीन है ना, जैसे मैं इसको बैक कर लेता हूँ, इसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखो आप जो है इस तरीके से जो है हो सकता है, ठीक है, हो जाती है। अगर मैं चाहूँ तो इसको इस ऑप्शन के बिना भी जो मतलब कि ये ऊपर से करे बिना भी जो है मैं इसे एनेबल कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा सिंपली जो है यहाँ पर आपका किसी भी मैसेज में, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं इसमें जो है यहाँ पर चला जाता हूँ, यहाँ पर आप इंटर का बटन देखेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो है इंटर का बटन आप देखेंगे, इसे आप पकड़ के जो अंदर की तरफ करेंगे ना, यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है, तो इस तरीके का जो है ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। ये एक शॉर्टकट है, ठीक है। बाकी जो है अब मैं दोबारा से ले जाता हूँ आपको, वहीं आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो है बहुत से ऑप्शन मिलते हैं, आप जिसको चाहे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो है मेरे जो काम के हैं उन्हें जो है ऊपर रखा हुआ है। बाकी आप जो है साउंड रिकॉर्डर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, सेल्फी कैमरा अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट खोलना है, ठीक है, यहाँ से जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। स्क्रीन कैप्चर अगर स्क्रीनशॉट देना है, ठीक है, बेड टाइम मोड अगर आप सोने का टाइम है तो आपके जो है फ़ोन जो है साइलेंट हो जाएगा, जो है उसमें नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगे इसे ऑन करते हैं तो। राइडिंग मोड के बारे में आपको बता दिया मैंने, फोकस मोड के बारे में आपको जो है मैंने बता दिया है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है आपका, जैसे आप देखेंगे ऊपर जो है आपका डाटा यूजेज दिखा रहा है कि मैंने जो है कितना यूज़ किया हुआ है, ठीक है। आप अगर देखेंगे मंडे 25 मई यहाँ पर दिखा रहा है, और नीचे आप देखेंगे सिम टू में जो है डाटा मैंने यूज़ किया जितना यहाँ पर दिखा रहा है। बाकी ऊपर जो है यहाँ पर आपको टाइम का ऑप्शन मिलता है, जैसे यहाँ पर टाइम में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे जो है सीधा जो है मुझे घड़ी में जो है ये रिडायरेक्ट कर देता है। और नीचे जो है ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का जो ऑप्शन में जो देखने को मिलता है, अगर मैं ऑटो करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक जो है एडजस्ट कर लेता है, मैं ऑटो में नहीं रखता हूँ उसे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने आज जो है आपको जिसका नोटिफिकेशन जो ड्रॉर है इसके बारे में बताया, यहाँ पर जो है आपको क्या क्या मिल जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये लास्ट में एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ब्लूटूथ और इसके बीच में जो है रिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर पहले बार टैप करता हूँ तो यहाँ पर वाइब्रेशन में चला जाता है, दूसरी बार में म्यूट, यहाँ पर जो है एकदम म्यूट हो जाता है फ़ोन, तीसरे बार करता हूँ तो जो है दोबारा जो है यहाँ नॉर्मल मूड में आ जाता है। बाकी मैं हर किसी में जो है यहाँ पर ऑप्शन में क्लिक करूँगा ना तो कुछ ना कुछ जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वो चीज़ें मैं जो है आपको बाद में सेटिंग में जाके बताऊँगा। यहाँ से जो है आप डायरेक्ट सेटिंग में भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है मैं इसके सारे के सारे ऑप्शन जो है आगे आपको बताने वाला हूँ, इसमें जो है क्या क्या आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अच्छा लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बैठे कर अपना ख्याल रखिएगा।